दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको हमारे 40 मेट्रो सिस्टम्स के बारे में बताया था जिसमें नासिक नहीं था। और कई लोगों ने कमेंट्स में कहा कि नासिक में भी तो मेट्रो बन रही है, और उन कमेंट्स को रिप्लाई करते हुए कुछ लोगों ने कहा कि नासिक में जो बन रही है वो मेट्रो नहीं है बल्कि रबर टायर वाली मेट्रो है या मेट्रो नियो है। तो ये एक्चुअल में है क्या, इसी बात पर हमारा आज का वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नासिक में कोई मेट्रो ट्रेन नहीं बन रही है बल्कि मेट्रो नियो के नाम से एक दूसरी सिस्टम बनाया जा रही है। अभी नाम क्यों दिया गया है ये मैं भी नहीं जानता, शायद गवर्नमेंट भी नहीं जानता। तो दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि नासिक में कोई मास रैपिड ट्रांजिट की जरूरत तो है लेकिन पूरी की पूरी मेट्रो सिस्टम शायद नासिक अफोर्ड भी ना कर पाए, और अगर मेट्रो बना भी दी जाए तो भी नासिक सिटी के पॉपुलेशन के हिसाब से उसे शायद रिस्पॉन्स भी अच्छा ना मिले अगर हम नासिक सिटी की डेंसिटी देखें तो, और ये डेंसिटी किस तरीके से फैली हुई है। और इसके साथ साथ नासिक में एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो फ्यूचर में नासिक से दूर की जगह जैसे इगतपुरी त्रिंबकेश्वर तक भी एक्सटेंड हो पाए, और ऐसे लंबे लंबे रूट्स को कनेक्ट करने के लिए मेट्रो का निर्माण करना बहुत ज्यादा महंगा होगा क्योंकि इस तरीके के कारण मेट्रो को एलिवेटेड बनाने की जरूरत पड़ सकती है, और इसके कारण ये प्रोजेक्ट अनफीजिबल हो जाता और डायरेक्टली हम ट्रैम्स भी नहीं बना सकते। इसलिए ट्रैम्स और मेट्रो के बीच का एक सॉल्यूशन निकाला गया जिसे रबर टायर्ड मेट्रो कहा जाता है। ये ट्रेन्स और रोड की टेक्नोलॉजी को एक साथ मिक्स कर दिया, और इस ट्रेन में स्टील के पहियों के बजाय रबर के टायर्स लगे होते जो रेल्स के बजाय गाइडवेज पे चलते हैं जिन पर रोलिंग पैड्स होते हैं, और नॉर्मली यहाँ पर सेंटर में एक ही ट्रैक होता है। इसके कारण ट्रेन चलाते समय स्टीयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती, और इस तरीके के ट्रेन्स बनाने कुछ मेजर एडवांटेज होते हैं। पहला, इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू मेट्रो। इस तरीके की ट्रेन ज्यादा स्लोप वाली सड़कों पर भी इजिली चढ़ सकती है, जबकि हमारी नॉर्मल ट्रेन्स को अगर आपको एक हाई स्लोप पर चढ़ाना है तो बहुत लंबे डिस्टेंस तक ये स्लोप एक्सटेंड करना पड़ता है। इन ट्रेन्स का एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग दोनों ही नॉर्मल मेट्रो ट्रेन से ज्यादा होता है, साथ साथ टायर्स के कारण इस ट्रेन की राइड बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, और इसी स्मूथनेस के कारण इस ट्रेन की बॉडी को नुकसान भी कम होता है जिसके कारण मेंटेनेंस भी कम निकलता है। लेकिन इसी ट्रेन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे बॉडी का नुकसान तो कम होता है लेकिन टायर्स के कारण टाइम टू टाइम इन्हें चेंज भी करना पड़ता है, और साथ साथ टायर्स पंक्चर भी हो सकते हैं। इसके अलावा रबर वाली ट्रेन पर मौसम का बहुत ज़्यादा असर और बहुत जल्दी असर होता है, जबकि नॉर्मल ट्रेन्स या मेट्रो जो हमारी होती है वो जब तक बहुत ज़्यादा बारिश बर्फ़ या मौसम ख़राब ना हो जाए तब तक नॉर्मली ही चलती रहती है, जबकि ये वाली ट्रेन्स मौसम में थोड़े से भी बदलाव आने पर इफेक्ट हो सकती है। और इसी के कारण इसको चलाते समय जो फीडबैक मिलता है या इसको जिस तरीके से कंट्रोल किया जाता है वो एज़ कम्पेयर टू हमारी ये नॉर्मल ट्रेन्स बहुत ज़्यादा चेंज होता है। आखिर एक मेजर डिसएडवांटेज इस ट्रेन का ये है कि ये नॉर्मल ट्रेन से ज़्यादा एनर्जी भी खर्च करती है, लेकिन फिर भी इसके कॉस्ट को अगर हम बैलेंस करें तो ये इक्वली ही बैठती है एज़ कम्पेयर टू मेट्रो। लेकिन हर सिटी के लिए सॉल्यूशन सेम नहीं हो सकता, और नासिक के लिए अभी फिलहाल हमारी बॉडीज को ये सॉल्यूशन ज्यादा बेटर लग रहा है मेट्रोस के कंपैरिजन में। इस प्लान में दो लाइंस है जिसमें पहली लाइन सतपुर से लेकर नासिक रोड रेलवे स्टेशन तक जाती है, और दूसरी लाइन गंगापुर से मुंबई नाका इस इलाके तक जाती है। टोटल नासिक मेट्रो नियो का अभी का प्लान 33 किलोमीटर लंबा है, और महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 2100 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसका लेटेस्ट अगर मैं आपको प्रोग्रेस का अपडेट बताऊं तो जून 2020 में इस प्रोजेक्ट का DPR सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दिया गया है, और यहाँ से अप्रूवल आने पर इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा। इसकी कंप्लीशन डेट 2023 बताई गई है, और इसके बनने के बाद में नासिक दुनिया 19वां शहर बनेगा जिसमें इस तरह की कोई सिस्टम होगी। तो दोस्तों, ये रही देश में बन रहे पहले मेट्रो सिस्टम पर जो रबर टायर्स पर दौड़ेगी। और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।